नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण और जयवर्धन डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। करौली के बाद नेगड़िया के दोनों युवक पॉजिटिव से नेगेटिव होने के साथ ही प्रशासन द्वारा कर्फ्यू का परिक्षेत्र भी घटा दिया है। केलवा में पूरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में कर्फ्यू बरकरार है, जबकि राजसमंद शहर के सिद्धार्थ नगर के साथ महेश नगर, चंद्रदीप कॉलोनी, सालमपुरा सहित 6 कॉलोनियों में कर्फ्यू है। नाथद्वारा उपखंड अधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि करौली का युवक पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद अब लाल मादड़ी व केसुली पंचायत क्षेत्र को कर्फ्यू से मुक्त कर दिया है और अब सिर्फ करौली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कर्फ्यू है। इसी तरह परीक्षित हैं। बताया गया कि रटुजना का युवक मुंबई से आते ही नेगड़िया स्कूल में ही क्वारंटाइन हुआ, जो उसके घर रटुजना गाँव तो गया ही नहीं था, इसलिए रटुजना गाँव को भी कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। SDM गोयल व DSP रोशन पटेल द्वारा दोनों ही जगह नियमित निगरानी रखी जा रही है और वहाँ की व्यवस्थाएं खुद देख रहे हैं। इसी तरह राजसमंद उपखंड क्षेत्र के केलवा में दो युवक व राजसमंद शहर के सिद्धार्थ नगर में एक युवती कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद दोनों जगह पूर्ण कर्फ्यू जारी है। लोगों का घर से बाहर निकलना ही प्रतिबंधित है। बुधवार सुबह राजसमंद SDM सुशील कुमार ने दोनों ही जगह का जायजा लिया और व्यवस्था के लिए कार्मिकों व पुलिस अधिकारियों कार्मिकों को विशेष दिशा निर्देश दिए। इस तरह कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा कम हुआ है, जो बड़ी राहत की खबर है। आपको बता दें कि पहला पॉजिटिव 25 अप्रैल को नाथद्वारा के करौली में मिला था, जबकि दूसरा 1 मई को नेगड़िया पंचायत के रटुजना गाँव का युवक था। 4 अप्रैल को केलवा में 2 युवक पॉजिटिव निकले और 5 मई को राजसमंद शहर के सिद्धार्थ नगर की एक युवती भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। चारों युवक मुंबई से आए थे, जबकि युवती उसके परिवार के साथ अहमदाबाद से आई थी। इधर राजसमंद उपखंड अधिकारी सुशील कुमार ने बुधवार को सुबह सिद्धार्थ नगर की व्यवस्थाएं देखी, जहां DSP गोपाल सिंह भाटी भी मौजूद थे। उसके बाद SDM केलवा पहुँचे, जहाँ सभी सीमाओं की व्यवस्थाएं देखने के बाद क्वारंटाइन सेंटर भी गए, जहां की व्यवस्थाएं देखने के बाद वहां कार्यरत कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर राजसमंद शहर की 6 कॉलोनियों के साथ केलवा, नेगड़िया व करौली पंचायत मुख्यालय पर बाजार पूर्णतया बंद रहा और लोगों की आवाजाही बंद रहने से पूरे गाँव व गलियों में सन्नाटा पसरा रहा। राजसमंद शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र में बुधवार सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए रहे। दोपहर ठीक 12 बजे से बादलों की गर्जना के साथ रिमझिम बारिश शुरू हुई, जो करीब 10 मिनट तक चली। इस बारिश से सड़कें तर हो गई और वातावरण में ठंडक घुल गई। उसके बाद आसमान में काले बादल छाए रहे और सूरज व बादलों के बीच लुका छिपी का खेल भी दिन भर चलता रहा। बादल छाए रहने से लोगों को कुछ तीखी धूप से राहत भी मिली, मगर उमस बढ़ गई। इसके अलावा नाथद्वारा खमनौर क्षेत्र के गांवों में हल्की से तेज़ बारिश होने की सूचना है। हालांकि जिस वर्ग राजसमंद शहर में बारिश हो रही थी, तब कई इलाके में धूप भी खिली हुई थी। देखिए आसमान में तस्वीरें किस तरह, एक तरफ आसमान में बादल खुले हैं तो दूसरी तरफ घनघोर काली घटाएं छाई हुई हैं।